जोक सुनाऊं? अगर अच्छा लगे तो हाँ बोलना। चल सुना। एक बार एक पत्नी ने अपने पति से कहा कि सुनते हो, जिस पंडित जी ने हमारी शादी करवाई थी आज वो मर गए। तो पति ने भी बहुत दुखी होकर अपनी पत्नी को जवाब दिया कि बेचारे को कभी न कभी तो अपने कर्मों की सजा मिलनी ही थी। अरे पंडित जी ने दोनों की शादी करवाई थी इसीलिए तो पंडित जी को सजा मिली। लाइन पे आ रही है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। तुमने तो बोला था कि लोग पठान को बॉयकॉट करेंगे और फ्लॉप हो जाएगी, पर लोग तो बोल रहे कि वो हिट हो गई है। अरे नहीं यार, वो तो फ्लॉप हो गई है। पर लोग तो बोल रहे कि वो हिट हो गई है। अरे वो झूठ बोल रहे हैं ना। अरे तो पठान हिट कैसे हो गई, वो तो इसको पता होगा। चुप रे, चुप चुप। एक बात बताइए, पठान मूवी हिट हुई है? नहीं, फ्लॉप हो गई है। तो लोग क्यों बोल रहे कि हिट हो गई है? चूते बनाने के लिए। पर लोग चूते क्यों बना रहे हैं? उसको पूछ रहे यार, मेरे को क्यों? अरे ये तो कुछ बोल ही नहीं रहा है, लगता है एक और देती हूँ। ये इसको क्या हो गया, पागल तो नहीं हो गई है? ये दो क्यों? इससे ताकत आएगी। समझ रहे हो आप? ओम्फो, कितनी मिट्टी, कितनी मिट्टी साफ करो। हाँ। साला फेयर लवली लेने के लिए कितना मस्का लगा रही है। साला बेटी मेरी है और लड्डू उसको खिला रही है। I hate you. गजब बेइज्जती है। हाँ थोड़ा धीरे से दबाओ। हाँ थोड़ा सा नीचे। शाबाश बेटा। समझ में आ गया कहाँ दर्द हो रहा तुम्हारे। प्यारी समझ गई। शर्माओ मत आशु। ये रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। जोर से दबाओ ना। हाँ हाँ दबा रहा, दबा रहा, दबा रहा। अब बताता हूँ इसको मैं। पुष्पा भैया आपकी फोटो अखबार में छपी है। पुष्पा भैया आपकी फोटो अखबार में छपी है। लड़की छेड़ने वाले को लोगों ने चप्पलों से पीटा। मेरे साथ अन्याय हुआ है।